आज की डिश सुपर टेस्टी, सुपर डुपर विजुअल ट्रीट और ओरियो लवर्स के लिए तो इट्स टू द नेक्स्ट लेवल। क्या है भाई, हमारे यहाँ है बर्थडे, तो बर्थडे बॉय की फरमाइश थी कि ओरियो चीज केक बने। तो जब मैं बना ही रही थी सबके लिए घर में, तो आप लोग के साथ कैसे मैं शेयर करती। लेट्स कुक टुगेदर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेस से। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चीज केक इज दैट इट इज अ नो बेक, फटाफट जल्दी बनेगा और रिफ्रेशिंग। 2 cups ऑफ क्रश्ड ओरियो बिस्किट, मैंने इसकी क्रीम भी ली है पूरा, बिल्कुल इसको देखें इस तरह फाइनली क्रश कर दिया, चाहे बेलन से कर लें चाहे ब्लेंडर में चॉपर में, मैंने तो चॉपर में डाल दिया था। This is 4 ounces of melted butter. अब इसको इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ, जैसे कि वेट सैंड की लुक होती है ना, वैसा हो जाएगा इसका टेक्सचर। अब इसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे लूज बॉटम स्प्रिंग फोम पैन में। ये मैंने 9 inches लूज बॉटम पैन लिया है, उस पर ये वैक्स पेपर लगा दिया है। वैक्स पेपर ज़रूरी नहीं होता, बट इट्स ईजी टू टेक आउट द केक। थोड़ा सा मैंने यहाँ नीचे बेस पे बटर लगाया था, ज़रा सा, इसलिए कि वैक्स पेपर उस पर बैठ जाए। अब ये कुकी मिक्सचर डालें आप और इस पर बस प्रेस करना है बेस पे। ये अमेरिकन मड पाई जो होता है ना, वो भी इट्स ऑन द सेम लाइन्स लाइक एन ओरियो बेस। चाहे तो चमचे से स्मूथ कर लें, चाहे तो कोई ग्लास ले लें उसकी बेस से इसको पैट कर लें तो चिकना हो जाएगा। मुझे तो चमचा इजी लगता है। बस देखें हो गया। 4 eggs सेपरेटेड, एग वाइट्स में ख्याल रखें कि योक ना जाए। 1 tub क्रीम चीज का कोई भी ले लें, ये 180 ग्राम्स का है ये टब। 1 cup ऑफ क्रीम, चाहे टेट्रा पैक ले लें, फ्रेश क्रीम ले लें। ये मैंने 1 cup क्रीम विप की है, दिस इज विपिंग क्रीम यानी ड्रीम विप। ये मैंने लिया है 1 sachet ऑफ ड्रीम विप एंड 1/2 cup ऑफ चिल्ड मिल्क, इसको अच्छी तरह बीट करके फ्लफी कर लिया है। 1 tablespoon ऑफ लेमन जूस, ये 3 से 4 ओरियो है, मैंने इसको कोर्सली क्रश किया है मोटा मोटा। 1 teaspoon ऑफ वेनिला एसेंस, 5 tablespoon ऑफ शुगर, इसको 2 जगह यूज करना है। 2 tablespoon इन द योक, 3 tablespoon इन द वाइट, 3 tablespoon ऑफ हलाल जेलेटिन, ये मैंने दही ली है योगर्ट, 1 glass लिया था 500 grams का। ये हंग योगर्ट है, इसको मैंने ओवरनाइट कपड़े में, पतले कपड़े में हैंग कर लिया, फ्रिज में रखिएगा। ये 4 yolks हैं, उसमें 2 tablespoons ऑफ शुगर, बस इतना कुक करना है कि शुगर डिसॉल्व हो जाए। ज़रा सा भी ओवर कुक किया तो एग योक कर्डल अप हो जाएगी। 1/2 cup ऑफ वाटर, वाटर रूम टेम्परेचर पे है, एंड 3 tablespoon ऑफ जेलेटिन, 2 and 3, बस इसको कुक करना है ताकि ये हीट थ्रू हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब क्रीम चीज, अब ये योगर्ट चीज, अब क्रीम, 1 tablespoon ऑफ लेमन जूस, ये जेलेटिन मैं योक मिक्सचर में डाल रही हूँ, 1 teaspoon ऑफ वेनिला, ये 4 egg whites अच्छे स्टिफ करने हैं, 3 to 4 tablespoons ऑफ शुगर, मैंने अभी 3 डाला है, फिर मैं थोड़ी देर बाद चख के देखती हूँ कि अगर ज़रूरत है। जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुल द एग वाइट्स आर लुकिंग, नाइस एंड ग्लॉसी। ये मैं दही में एक बीटर चला रही हूँ ज़रा सा कि एक स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। नाउ द एग योक मिक्सचर, सब चीज मिला के मिक्स करना है। ये एग वाइट्स हैं,
और ये ड्रीम व्हिप मिक्सचर। अगर आप चाहें तो हैंड बीटर नहीं यूज करना, तो बस फोल्डिंग स्पून से आप इसको मिक्स कर दें, हल्का सा मिक्स करना है। इस वक्त आप चक के देख लें, अगर आपको चीनी कम लगे तो इसी स्टेज पे चीनी बढ़ानी है। और अब ये क्रश्ड ओरियोस, बस इसको हल्का सा फोल्ड करना है, ज्यादा नहीं। पोर इट इन द पैन। ये मैंने थोड़ा सा रोक लिया था कि ऊपर रहे, बस अब इसको फ्रिज में रखना है फॉर 3 to 4 आवर्स। जब तक अच्छा सेट नहीं होगा हम इसकी टॉपिंग नहीं बना सकते। ये अब हमारा चीज केक सेट हो गया है, ये मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था। अब हम इसकी चॉकलेट गनाश बनाएंगे। ये 4 ounces कुकिंग चॉकलेट है और 2 tablespoons ऑफ क्रीम, एनी क्रीम, इसमें कोई व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं माइक्रो करूँगी 1 मिनट। बस ये एक नाइफ को ऑल राउंड घुमा दे ताकि निकलना आसान हो। इट इज स्मेलिंग डिलिशियस, यमिलिशियस इज द वर्ड एक्चुअली। ये देखें, पेपर से ये होता है फौरन निकल जाता है आसानी से, और ज़रा सा उठा के पेपर खींच लें। ये देखें अच्छी तरह मेल्ट हो गई है चॉकलेट और क्रीम, और मैंने इससे विस्क से या चमचे से बस मिक्स कर लें। अब मैं इसको बॉटल में डालूंगी जिससे मैं स्क्वीज कर सकूं। अगर आपके पास बॉटल नहीं हो तो इतना कोई इशू नहीं है, आप चमचे से कर लें। अब इसको स्क्वीज करना शुरू करें। थोड़ा सा अंदर से शुरू करें ताकि वो ड्रिप होने लगे, बिल्कुल एज से नहीं। ये देखें, ये ऑल राउंड ड्रिपिंग कर दिया मैंने। अब इसको मैं ऊपर लगा रही हूँ। दो तरह से कर सकते हैं, चाहे तो पैटर्न बना लें, चाहे तो जस्ट कवर कर लें पूरा। ये मैंने ऊपर डेकोरेशन के लिए ड्रीम व्हिप बीट की है, 1 sachet ऑफ ड्रीम व्हिप एंड 1/2 cup ऑफ चिल्ड मिल्क। चाहे तो आप अच्छी फ्रेश क्रीम ले लें, उससे डेकोरेट कर लें। अगर आप फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो बीट हो जाए तो उसके बाद समझे 1 cup ले ली फ्रेश क्रीम, उसमें 2 tablespoons ऑफ शुगर डाल के उसको बीट कर लें। Isn't it looking yummy or what? क्या बात है ना बच्चों? जी भाई, हमारे यहाँ इस वक्त बर्थडे बॉय के इंस्ट्रक्शंस पे सारा डेकोरेशन हो रहा है। अब जब आप ऐसा केक बना सकते हैं तो आपको ज़रूरत क्या है भाई बेकरी से लाने की? क्यों, क्या बात है, सही है ना? ये थोड़ा सा बीच में ओरियो क्रश कर दिया है तो बस ओरियो ही ओरियो, ओरियो जिंदाबाद, टू गुड टू बी ट्रू। बर्थडे बॉय ने तो केक काट लिया, अब हम चखते हैं कि कैसा बना है। सुपर्ब, सुपर्ब, कॉम्प्लीमेंट्स टू द शेफ। आज की हेल्थ टिप ये है कि दही का खूब खूब इस्तेमाल करें। दही इज रिच इन प्रोबायोटिक्स विच इज वेरी गुड फॉर आवर गट। आप लोगों को ये बनाना है और मुझे तस्वीर जरूर भेजिएगा। दिस इज सीमा साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मा सलामा।